Assalamualaikum. Welcome to Morning at Home only on PTV Home. कैसे हैं आप? I hope कि आप लोग सब safe होंगे, खुश होंगे और घर में मसरूफ होंगे किसी ना किसी तरह. मेरे जैसा मैं आप देखें, मैं मुझे तो लग रहा है कि वक्त का पता ही नहीं चलता. इतने मसरूफ, इतनी चीज़ें मैंने शुरू कर दी हैं. मैंने तो ऑनलाइन एडिटिंग का भी कोर्स कर लिया खुद ब खुद ही. हाँ, बिजी रहना बहुत ज़रूरी है. और वो शौक, वो चीज़ें जो कि आप कभी सोचते थे ना, यार कभी वक्त मिला तो मैं करूँगी, वक्त होगा तो मैं सीखूँगी, तो वो अब वक्त है. एक सेकेंड. हाँ, तो ये वो वक्त है कि जिसमें आप सीख सकते हैं और आप कर सकते हैं. देखिए ना, मैंने कितने मज़े के देखे कोर्सेज किए, पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ और मुझे वाकई नहीं पता चलता कि घर में रह के भी कोई बोरियत नहीं हो रही और मेरा दिन ऐसे गुजरता है. और यहाँ देखें, आगे ये वीकेंड था इतना छोटा, तो आप भी बिजी रहें. माशाल्लाह, शुक्र है ये इंटरनेट का टाइम है और इंटरनेट की वजह से हमें इतना एक्सेस है टू इंफॉर्मेशन, टू कोर्सेज, टू ट्यूटर्स, डिग्रीज, सब कुछ, सर्टिफिकेट्स, सब कुछ मिल सकता है. तो इसमें आप पढ़ लें. वो लोग जिनका ख्वाब था, जिनका शौक था कि हम कुछ पढ़ लेते कुछ, एंड आई विल एंडोर्स किसी भी तरह का कोर्स, किसी भी तरह की पढ़ाई कर लीजिए. शॉर्ट कोर्सेज आते हैं और हमारे शो पे एक्सपर्ट्स भी आते रहते हैं जो ऐसे कोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं. आप पता करें कि आपके बच्चे पढ़ क्या रहे हैं. हाय, मैं तो अजान को मैथ्स में हेल्प कर रही हूँ और बड़े अरसे बाद मुझे भी ये फैक्टर्स जो कि मुझे जहर लगते थे अब मुझे समझ में आने लगे हैं. आई थिंक उस वक्त मैं खुद छोटी थी तो मुझे समझ भी नहीं आते थे और मुझे जहर भी लगते थे, लेकिन अब फैक्टर्स और क्या कहते हैं ये एरिया, पेरीमीटर बहुत पीछे छोड़ाई थी मैं इनको ज़िंदगी में. और ये कहा था दोबारा ना आना, कभी दोबारा ना शक्ल दिखाना. लेकिन अब फिर से मेरी ज़िंदगी में एरिया, पेरीमीटर, स्क्वायर, फुल स्क्वायर, पाए, एंगल्स और ये सारे आ गए. हाँ, तो बस पता नहीं क्या, मैं खाल सब लड़कियों को मैथ्स नहीं पसंद होती, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब बच्चों की वजह से थोड़ा सा मैं दोबारा सीख रही हूँ, समझा रही हूँ. तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स आई एम डूइंग. प्लस मैंने वीकेंड पर बनाए मनतहा बीफ बर्गर. मैंने बीफ बर्गर फाइनली बना लिए. मेरा इतने हफ्तों से दिल कर रहा था. हाँ, क्या बताऊँ, सॉरी तो मुझे डांटोगी भी, लेकिन मैंने बनाए खुद. मैंने फ्राई थे, मैंने ग्रिल नहीं है ना, मेरे पास ग्रिल नहीं है. तो क्या पैन सियर नहीं कर सकते? हाँ, वही किया. बहुत कम ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज किया. ऑलिव ऑयल नहीं यूज किया. नेक्स्ट टाइम वादा. यस, ऑलिव ऑयल. नेक्स्ट टाइम ऑलिव ऑयल में मैं बर्गर बनाऊंगी. डाइजेशन भी बहुत अच्छी होती है, गुड फैट एब्जॉर्ब होता है. और लीन लीन मीट था या यार, मुझे जिस तरह शेफ जुबैर ने बताया था वही किया कि अंडरकट मीट और साथ में 30% फैट. फैट के बगैर बर्गर कैसे बनेगा? तो फिर हम बाद में बात करते हैं. हम अकेले में बात करते हैं. अकेले में बात करते. हो सकता है मेरे बाल तुम खराब कर दो जरा प्यार में, तो इसलिए हम दोस्त है, टिका भी सकती है, इसलिए हम अकेले में ही बात करें तो बेहतर है. और आज के शो में वी हैव मनतहा, वेलनेस कोच, लाइफ स्टाइल कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी फ्रेंड हियर विद अस. थैंक यू सो मच मनतहा. यू आर सो वेलकम, एनी टाइम फॉर यू. और इनसे बात करेंगे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, के वो लोग जो इस वक्त मेजोरिटी आर गेनिंग वेट, स्ट्रेस भी है, नींद भी सही से नहीं हो रही, सुबह सुबह सो रहे हैं फिर उठ जाते हैं, अजीब सा ऑफ हुआ वह स्केड्यूल, तो हाँ, और फिर ये क्या, भूख भी बड़ी खौफनाक लग रही है. बच्चे तो गेन कर ही रहे हैं, बड़े भी गेन कर रहे हैं, तो ऐसे में हालांकि आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि आप अपने आप पे फोकस करके, वरना कहते थे ना कि टाइम ही नहीं मिलता, ये ही नहीं होता. अब आप फुल फोकस करके अगर आप वेट लूज़ करना चाहें इन हफ्तों में, तो क्या तरीका है, कहाँ से वो ड्राइव लाएं, कहाँ से वो डिसिप्लिन लाएं, मनतहा से पूछेंगे. एंड देन डॉक्टर फराज, फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग हिम, माशाल्लाह ऑन आवर शो, डेंटल सर्जन है. कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल जी, अल्लाह के शुक्र. और यासिर नवाज के ब्रदर हैं और रिजेंबलेंस से आपको पता चल जाएगा. माशाल्लाह, नॉर्मली फैमिलीज में देखते हैं तीन भाई तो शक्लें अलग अलग होती हैं, आप तीनों की बहुत मैचिंग है. अच्छा. हाँ, आप लोगों की लगभग एज भी वही लगती है आप लोग. हाँ, क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना. यही बात, यासिर में और मुझ में 1.5 साल का फर्क है. दानिश तो यासिर मुझसे बड़े हैं, हालांकि कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि यासिर मुझसे छोटे हैं, हालांकि वो मुझसे बड़े हैं. यासिर हैं फिर मैं हूँ. वो आप ना डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर की वजह से एक संजीदगी चेहरे पे आती है. नहीं नहीं, एक्चुअली वो मेरा अपीयरेंस भी कुछ ऐसा है. मैं अपने, मेरे फादर जो रेनाउंड विलन थे टीवी और फिल्मों में विलन रहे हैं, तो मैं भी, मैंने एक फिल्म भी की अभी यासिर के साथ ही, तो उसमें एज ए विलन मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया और मैं लगता भी विलन हूँ. तो शायद इस वजह से हाइट बिल्ड के हवाले से भी मैं यासिर से बड़ा लगता हूँ. अच्छा, आपको उसमें कोई सैडनेस भी नहीं है? आप बड़े फखर से बता रहे हैं कि मैं विलन लगता हूँ. जो फैक्ट है वो तो है ना, जो 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 बंदा अपीयरेंस से दिखता है. मेरे फादर एक हसीन विलन थे,
फरीद नवाज बलोच एक खूबसूरत विलन थे और आपकी माशाल्लाह उनसे बड़ी रिजेंबलेंस है। और सर उतने ही रियल लाइफ में इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने मजेदार, इतने जॉली, लेकिन वो कैरेक्टर्स अच्छे उसमें करते थे। आपने एक्टिंग क्यों नहीं की ज्यादा? पहले तो मैं ये बताऊँ की एक्टिंग इतना ईजी जॉब नहीं है और मैं मुझे अपनी फील्ड से इश्क है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं डेंटिस्ट नहीं होता तो मैं शायद सर्वाइव भी नहीं करता, क्योंकि मेरा जो पैशन है ना वो मेरा प्रोफेशन है। दांत ही क्यों? दांत इसलिए किडनी, लंग्स, हार्ट। देखिए जो मज़ा किसी को खूबसूरती देने में है, क्योंकि दांतों से रिलेटेड आपकी बड़ी ब्यूटी है। तो प्लास्टिक सर्जन बन जाते हैं? बस एक था, शुरू से शौक था कि BDS करूं, और फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन BDS में, बाद में मैं MBBS में भी मेरा एडमिशन हो गया, मगर मैंने BDS को प्रेफरेंस दिया और आई एम हैप्पी कि मैं कामयाब। और आपको ये भी बता दूं कि मैं आपकी जितनी भी शोबिस इंडस्ट्री है उसका डेंटिस्ट हूँ। इसमें कोई भी ऐसा हीरो नहीं है जो मेरा पेशेंट नहीं है जिसकी मैंने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ना की हो। अच्छा। जितने टॉप मोस्ट हैं तो सब की। क्या करवाते हैं आप? ये क्राउन फिलिंग, इसमें दो तीन कीड़े लगते हैं शोबिज वाले लोगों के दांत पे? कीड़े लगते हैं? मीठा खाते हैं? आप बताएं वैसे किस किस आर्टिस्ट के दांत पे कीड़ा लगा हुआ है? हाँ ये मैंने बोला, ये तो पर्सनल नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, आप ये पूछे किसने नहीं करा, ये भी इसका मतलब सबकी फीलिंग हुई। देखें हमारे पास ज़्यादा सिर्फ आजकल जो कॉन्सेप्ट है हमारी इंडस्ट्री में वो वाइटनिंग और ब्लीचिंग और पॉलिशिंग इस तरफ ज़्यादा है। बहुत तो नहीं, स्केलिंग तो होनी चाहिए, स्केलिंग होनी चाहिए। स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग हो जाती है, वो बड़ा एक अच्छा लुक आ जाता है दांतों का, वाइटनिंग अच्छी हो जाती है, अपेरेंटली बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्केलिंग और पॉलिशिंग तो मैं एडवाइस करूंगा। वैसे नॉर्मली मैं खुद पेशेंट्स को नहीं एडवाइस करता कि ब्लीचिंग वगैरह कराएं। डॉक्टर साहब इतनी दर्द होती है, ये मैं कहती हूँ खौफनाक दर्द है, जो दिमाग पे सीधा सीधा ना करंट लगते हैं, ऐसा है कि जैसे आप करंट लेके ना वायर इधर लगा दें ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग really? वो जो नहीं, वो जो लेजर से दान करते हैं, मैंने एक बार कराया था, मुझे बहुत शौक है, सवाए वेनियर्स के मैं सारी चीजें करवा चुकी हूँ। बड़ी मैं तौबा की, मैं कहा तौबा ये है कि आपकी एक टेम्पररी तौर पे आप में एक्स्ट्रा वाइटनिंग आ जाती है, आपका जो शेड है वो चेंज हो जाता है, वो परमानेंट नहीं होता ऑल दो, मगर एक अच्छा लुक आ जाता है। अच्छा। आप जैसे, मैं ज़्यादातर उन लोगों को एडवाइस करता हूँ जैसे किसी की शादी है, अच्छा वो यहाँ तो बहुत ही सब फ्री हो गए, ब्लीचिंग करवा सकता है, या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो समझता है कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो उस कंडीशन में ब्लीचिंग, वैसे नॉर्मली नहीं करानी चाहिए ब्लीचिंग। स्केलिंग और पॉलिशिंग हर 6 महीने बाद। तीन दिन से टॉफी खा रही हूं। अच्छा हां, मिंट बटर टॉफी। नादी अब मैं आपको क्या बोलूं, अभी आपने बर्गर की बात की, अभी आपने टॉफी की बात की, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने बोला कि मंतहा मैं क्या करूं, मैं मोटिवेटेड नहीं फील कर रही हूं, और फिर आप मुझे बार बार बता रही है, अब मेरे अंदर गुस्सा डेवलप हो रहा है। नहीं तुमसे तो मैं आराम से इस बारे में बात करूंगी, मेरा केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा अभी मैं थोड़ा सा आपको रेमेडी बताऊँ अभी इस चीज की, इस वक्त अब और भी सर डिस्कशन करेंगे बाद में, मुझे ये बताएं इस वक्त दांत का दर्द बड़ा डेंजरस है क्योंकि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते फॉर नॉर्मल ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर्स क्लिनिक्स में बैठ भी नहीं रहे, तो ऐसे में तो भाई प्लीज़ मैं कहती हूँ ना, हर तरह के एक्सीडेंट और दर्द और परेशानी से बचें प्लीज़। yes. मुझे उस दिन इंजेक्शन लगवाना था, ना पूछें, मेरा स्पैज़म हुआ है तो आए हाय हाय हाय, खुद ही अपने आप के इलाज किए, बड़ी मुश्किल से एक नर्स मिली जिसने मेरा टीका लगाया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि दांत का दर्द होता है ना बहुत बुरा होता है, तो अगर आपको दांत का दर्द हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि इस वक्त
इलाज से ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं और हालात इंशाल्लाह बेहतर हों तब हम जाके डेंटिस्ट को दिखाएं। तो इस वक्त क्राउन की पेन, फिलिंग की पेन, फिलिंग नहीं क्या कहते हैं, कीड़े की पेन या कोई और पेन हो, अब वो क्या कहते हैं, अक्लदाड़ की पेन, सेंसिटिविटी, इन चीज़ों का बताएं कि इस वक्त हम खुद से क्या रेमेडी से कर सकते हैं। देखिए पहले तो क्या दवाएं घर में रखें, ये पहले तो मैं बताऊं कि ये कोविड है क्या, ये कोल्ड वायरस डिजीज है। एक्चुअली होता ये है, ये पनपता जो है वो ठंड के माहौल में, और ये फैलता कैसे, किसी ने खांसा छींका तो इसके जो जरासीम है वो 3 घंटे तक फिज़ा में रहते हैं, फिर ड्रॉपलेट है ये गिर जाते हैं, और उसके बाद ये एक नॉन लिविंग जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कवर्ड होता है फैट के, फैट से कवर्ड होता है ये कम्प्लीटली। और अगर आप ये जब मल्टीप्लाई कब होता है, जब आपकी ओरल म्यूकोजा में जाता है या नेजल म्यूकोजा में जाता है, ऑक्यूलर नेजल या म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह के अंदर जाता है, तो वहाँ ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें नो डाउट, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो ये वायरस फैल सकता है, किन जरियों के थ्रू ये वायरस फैल सकता है, जी जी, एक जितने भी कैशियर्स हैं उनके थ्रू, उसके बाद ये सर इस पे जरा डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी दवाइयों पे आ जाएं। अच्छा अब ये है कि हमें जो बहुत इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं या बहुत शदीद पेन है जो आप देख रहे हैं, खुद पेन किलर से सही नहीं हो रहा या एंटीबायोटिक से कवर नहीं हो रहा, सिर्फ इमरजेंसीज की कंडीशन में हमें डेंटल, ये नहीं कि दांतों की आज सफाई, फारिक बैठे हैं तो दांतों की सफाई जाके करवा लें, दर्द में भी नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं, पेन की इमरजेंसी कंडीशंस में जब आप देखें कि जैसे बहुत शदीद पेन है या खुदा ना खास्ता कोई ब्लीडिंग हो रही है जिसका चांसेस ये है कि आगे जाके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उस कंडीशन में जाना चाहिए डेंटल सर्जन के पास, और प्रोसीजर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया या आप जाके कंसल्टेशन ले लें वहाँ पे, एक प्रोसीजर अवॉइड करें, प्रोसीजर्स को थोड़ा सा डेंटल सर्जन को भी चाहिए वो अवॉइड करें, सिर्फ इमरजेंसीज डील करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कि डेंटिस्ट के, डेंटिस्ट भी इन्फेक्टेड हो सकता है, पेशेंट से भी लग सकता है। अच्छा मुझे बताएं कि दवाइयाँ इस वक्त कौन सी घर में रखी जाएं, जो कि अगर सवेर रात को पेन है या 2 दिन से पेन हो रही है तो क्या अभी रखूँ कि ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहें। देखिए वैसे तो ये चाहिए कि पैनाडोल वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए और नीम गर्म पानी, पैनाडोल तो ज़्यादा नहीं, एक्चुअली बहुत सी कंडीशन में अवॉइड की जाती हैं पेन किलर, इस कंडीशन में खास तौर पे मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, ज़्यादातर पेशेंट्स को जो आजकल पेन हो रहा है वो मसूड़ों की वजह से हो रहा है, अगर वो उनको मसूड़ों में पेन है तो वो ब्रशिंग अच्छी तरीके से करें, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ मैक्सिमम करें, ब्रशिंग प्रॉपर करें, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें, या अगर आप ये देख रहे हैं कि स्वेलिंग है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह शुरू कर दें, उससे इन कंडीशंस को कवर किया जा सकता है, और जब ये सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद अपने कंप्लीट प्रोसीजर्स वगैरह करा। मुझे एक ब्लू गोली आती है एनसिड करके, जी जी जी, वो बहुत दांत के दर्द में सब रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर लिखे या ना लिखे, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है वो वैसे मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि सिर्फ पैनाडोल ने ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक भी ना पड़े। अच्छा ब्रूफेन भी लोग ले लेते हैं फौरन से, ब्रूफेन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, डाइक्लोफेन जैसे आपने एनसिड के हवाले से कहा वो भी यूज कर सकते हैं, पैनाडोल बहुत सी डिफरेंट कंपनीज की पेन किलर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक डॉक्टर की एडवाइस के बगैर कोई भी मेडिकेशन ना लें, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से एडवाइस लेके आप वो एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक ले सकते हैं, प्रोसीजर्स सिर्फ अवॉइड करें सर्टन पीरियड के लिए, उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो एक कंप्लीट प्रोसीजर्स करवाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, ने इतनी अच्छी बात की, और साथ में हमारे वो तमाम डॉक्टर्स जो इस वक्त इतना कमाल काम कर रहे हैं, जान पे खेल के अपने इतने दिल से जज्बे के साथ इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, और वो जो ऐसी कंडीशन इस पर लोग और सगे अपने भाग रहे होते हैं और नहीं कुछ कर पाते उनके लिए, ऐसे में वो जाके उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको उनकी उनको पेन रिलीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस फाइट में हम सब की सपोर्ट आपके साथ, और आप सबको सलाम, तमाम मेडिकल स्टाफ ऑफ आर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो साथ में एक अली ज़फ़र का गाना अभी जो उन्होंने बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टार्स माशाल्लाह इस वक्त खुद से, ये नहीं कि जी स्पॉन्सर तो किसी ने, नॉर्मली होता है गाना बनवाया जाता है करवाया जाता है, दिल से खुद मौके के लिहाज से, एंड अली ज़फ़र इज़ अमेजिंग कि जो उन्होंने माशाल्लाह इस मौके पे
बकअप करने के लिए मेडिकल स्टाफ के लिए ये गाना बनाया है. मैंने भी तक पहले नहीं सुना, मैं भी आज आपके साथ सुनूंगी और देखूंगी. ये वतन तुम्हारा. अस्सलाम वालेकुम. ये मेरी तरफ से डेडिकेशन है उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनका इलाज भी कर रहे हैं और हिफाजत भी कर रहे हैं कौम की. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमखास के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस समी का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकर शाके ये जाले रह गुजर तुम्हारे, ये वतन तुम्हारा, तुम हो पास बास के, इस जमीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को इसके. अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेहदी हसन साहब की हमने आवाज़ में बचपन में मैंने सुना है गाना. अच्छा, उसको सुन के इतनी सैडनेस नहीं होती थी. अली जफर ने थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत सैड गा दिया है, लेकिन बहुत सुन के वाकई मुझे रोना आ रहा था कि मतलब इट्स वेरी हार्ट टचिंग. और लेकिन जब मेहदी हसन साहब ने जब गाना गाया था तब उसका एक एक, एक अलग फील है उसमें, बहुत मोटिवेटिंग फील. और वो भी आप यूट्यूब पे इस पे जरूर देखिएगा, इंस्पायरिंग. तो बट थैंक यू अली जफर, एंड हैट्स ऑफ टू आवर ऑल आवर मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, सबको जो इस लड़ाई में सबसे आगे लड़ रहे हैं. ओके, देखा ना वो गाने का बसरा पूरे मुझ में ना शो पे रहेगा. अली मैं कैसे शो करूँगी, मुझे शो में एनर्जी देनी होती है सारा ये, बट क्या करें. और यही आजकल हो रहा है, थोड़ा सा डाउन होता है फिर अपने आप को लिफ्ट करते हैं, फिर होते हैं. बहुत जरूरी है क्योंकि डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ये आपका इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है. ममता आज आप क्या बात बता रही है, जो क्या समझ में आया? मैं वही बात कर रही हूँ मोटिवेशन के बारे में, बिकॉज मैं यही सुन रही हूँ, आपसे भी सुना मैंने प्रोग्राम से पहले, स्टार्ट होने से पहले, कि अपने आप को मोटिवेट कैसे किया जाए. बहुत से लोग जो है वो इस दौरान दे आर गेनिंग वेट, सो एंड हाउ डू यू गेट योर सेल्फ टू गेट बैक इनटू एक्शन, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. और अभी आप जो सवाल करेंगी उसके जवाब. लेकिन पॉसिबल है, तुम्हें लग रहा है कि इन हालात में अगर कोई चाहे कि ये मेरे लिए वेट लूज करने के लिए सही टाइम है, और तो वो हो सकता है. ऑफ कोर्स नादिया, अगर हम
हम अगर चाहें तो एक ग्लास को हाफ एम्प्टी देख सकते हैं या हाफ फुल देख सकते हैं. इस वक्त जो टाइम आपको मिला है ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को कैश करो. ऐसे घर में बैठ के सोने से या ये सोचने से कि हाय यू नो कोरोना वायरस हो गया है बाहर तो हम बाहर नहीं जा सकते और हमारी ज़िंदगी फुल स्टॉप पे आ गई है, ज़िंदगी फुल स्टॉप पे नहीं है, ये आपके हाथों में है. ये टाइम आपको दोबारा शायद ना मिले, शायद मिले शायद ना मिले, हमें कुछ नहीं पता. अगर नहीं मिलता तो इस टाइम को अपने बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने माइंड जैसे आपने बोला कोशिश करें, अपने बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करें एंड गो आउट एंड वर्क आउट इन द हाउस इफ़ यू कैन नॉट वर्क आउट आउटसाइड. हर किसी के घर में स्टेयर्स हैं, जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में हैं उनके फ्लोर्स पे स्टेयर्स हैं. एलिवेटर्स मत लीजिए, स्टेयर्स लीजिए, गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स. सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन करें, वरना एक कमरे में जाइए, फर्नीचर यूज़ कीजिए, सोफ़ा यूज़ कीजिए, टेबल यूज़ कीजिए, पुशअप्स करें, ट्राइसेप डिप्स करें. और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वन मोर रिक्वेस्ट, गेट इनटू योर एक्सरसाइज क्लोथ्स, वेयर योर शूज. जब आपसे बड़ी फीलिंग आती है, हाँ, जब आप अपने कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं अपने एक्सरसाइज के या बाहर जाने के, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी, यू आर रेडी टू टेक ऑन द डे. वैसे बात आपने बड़ी अच्छी की, मैंने पहले भी एक बार शो में कहा था, सुबह उठ के अगर आप अपने एक्सरसाइज के जो भी टी शर्ट पजामा जूते पहन लें, खुद ब खुद एक्सरसाइज होगी. आप देखिए आपको खुद होगा, क्योंकि वरना घर वाले थोड़ी देर मजाक उड़ाएंगे. तो कपड़े तो पहन लिए, वर्कआउट भी कर लो, हैं किस लिए किया ये तैयारी. और आपको खुद भी शीशा जब नजर आएगा गुजरते गुजरते, आप कॉन्शियस हो जाएंगे, यार मैंने तो अपना वर्कआउट किया नहीं, किसी मकसद से मैंने ही पहना है. ब्रेक के बाद मजीद इस बात पर बात करेंगे. मनता हमारे साथ है और डॉक्टर फराज भी और आपकी फोन कॉल्स भी लाइव. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग. After the break, और मनतहा से हम लोग बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक की, जी अगर इस ब्रेक में इसमें, हाँ वो भी ब्रेक और एक घर की हमारी बड़ी लंबी ब्रेक चल रही है लॉकडाउन में, जब कहीं कोई आना जाना नहीं है, घर वाले सब साथ हैं और औरतों का इस वक्त ज़्यादातर टाइम गुजर रहा है किचन में. प्रॉपर नाश्ते बन रहे हैं, बाकायदा खाने हो रहे हैं और उसके बाद रात का खाना, बीच में चाय भी, और फिर रात को सोते हुए बीच में 2 बजे 1 बजे भूख भी लग जाती है फिर से. तो 5-5 वक्त का लोग खाना खा रहे हैं बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डू. और उसको बर्न कितना कर रहे हैं? 0. ये बड़ी खतरनाक बात है. तो ये ना कि इसके बाद जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे, मैं तो जानती हूँ इनका भी, बच्चे छेड़ेंगे सब, ऐसे नहीं करना. बिल्कुल जिस तरह तुम फिट हो अपना ख्याल रखो, उसको मैं तंग करी सो दैट ही रियलाइजेज कि नहीं मुझे वेट नहीं गेन करना, मुझे एक्सरसाइज करनी है. और ऐसी चीज़ें, ये एडिक्शन है. बैठे रहो तो इंसान बैठा ही रहता है, चलते रहो तो आप चलते रहते हैं. इस वक्त हम सब बैठ गए हैं, तो हाउ टू लूज वेट, मोटिवेशन कहाँ से आए? ये एक माइंडसेट है नादिया. फॉर इंस्टेंस के अगर आप एक अचीवर हो, हमारा एक है कि पूरा हफ्ता हमने काम किया, एक सेट हम रूटीन में हमने अपनी ज़िंदगी बना दी है. एक इट्स लाइक अ सांचा, कि एक सांचे में हम रखते हैं, हम सुबह को उठेंगे वापस आएंगे, वीकेंड्स हम घर पे गुजारेंगे जिसमें हम वी विल बी इन आर पजामाज एंड वी विल स्पेंड द होल डे इन आर पजामाज. पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस के इस यू नो वक्त से पहले भी वर्क फ्रॉम होम करते थे और उनके अंदर ये मोटिवेशन थी कि वो सुबह को उठ के कपड़े चेंज करके, उनका पूरा टू डू लिस्ट होती थी कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. अब उस वक्त हम टाइम रिस्ट्रेंट था कि हमें जॉब भी करनी है, हमें एक्सरसाइज भी करनी है, हमें ग्रोसरीज भी करनी है, वी हैड टू प्लान द होल डे. अब ऐसा नहीं है, अब ये है कि हम उठते हैं उन्हीं पजामा में, सुबह से उठ के शाम तक हमने गुजार लिए. तो व्हाट इट डज इज़ कि आपको फीलिंग ये होती है कि अरे मैं घर पे हूँ, रिलैक्स हूँ, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम मेरी मर्जी है कि मैं जितने दफ़ा भी खाने अभी कर लूँगी, अभी 1 घंटे में कर लूँगी. दे इज़ एब्सोल्युटली, मैं दे आर सम पीपल हु आर ओवर अचीवर्स, दे आर सम पीपल हु आर अंडर अचीवर्स, वॉट एवर दैट इज़ फाइन. That is fine. Don't take stress about it. Right now, stress is an immunity killer. So if you have, अगर आपने 3 दिन भी जो है 3 चीज़ें 1 दिन में अपनी लिस्ट में रखी हैं, उसमें से आप 2 भी अचीव करते हो, दैट इज़ गुड. बट अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो. अगर 3 चीज़ें हैं आपकी टू डू लिस्ट में, उससे सबसे पहले आप क्या इज सेल्फ लव एंड हेल्थ. Because this is a time where you can invest on yourself. अगर आप 5 मिनट ले लें
5 फ्लाइट्स अपस्टेयर्स की कर लेते हैं और दैट इज़ मोर देन इनफ. फिर आपने एक घंटे में नाश्ता बना दिया, नाश्ता बनाते वक्त भी आप अगर पिकअप कर रहे हैं तो डोंट कीप योर नीज स्ट्रेट. फॉर इंस्टेंस अगर आपके ज़मीन पे कुछ ड्रॉप हो गया है, दिस इज़ वॉट हैज़ ड्रॉप्ड ऑन योर फ्लोर. सो इफ़ दिस हैज़ ड्रॉप्ड ऑन योर फ्लोर, बहुत से लोगों की ये आदत है कि वो कहते हैं अच्छा ये इधर आओ ये उठा लो, कोई अब नाम लेके किसी भी सर्वेंट का या बच्चों का. बट इफ़ यू गो डाउन एंड पिक इट अप योर सेल्फ, right, what you're doing is you're moving your whole body, you just have to bend your knees properly. So what I'm saying is ke bahut sari aise daily activities hain jisme aap apne body ki movements ko involve karke unko ek exercise bana sakte ho, you know, chahe wo cooking ho, chahe wo running up and down the stairs ho, you know. So it can be anything, but yes, get up in the morning, change your clothes and start doing your work. Ji, caller se bhi saath mein baat karte hain. Assalamu alaikum, Habiba from Sakkar. Kaisi hain aap Habiba? Good morning. Assalamu alaikum, Nadia. Wa alaikum assalam Habiba, kaisi hain aap? Theek hain? Shukr alhamdulillah. Aap bataye kaisi hain mizaj aapke? Allah ka shukr alhamdulillah, sab theek. Ji bataye aapke yahan sab Sakkar mein kya sab khayal kar rahe hain? ठीक से मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, हाथ धो रहे हैं? बहुत सख्ती है. अच्छा, शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने तो बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है. मतलब कोई बाहर ज्यादा लोग नहीं नजर आ रहे. इंशाल्लाह पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा इंशाल्लाह ताला, ना अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह. और वैसे भी कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला 14 से हर चीज, काफी चीजें खोल देंगे तो वो मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह पाक अपना करम करे इंशाल्लाह. जी अच्छा, अब आपका क्या सवाल? मेरा यही था कि वो मेरे बच्चे भी जाहिर सी बात है स्कूल गोएंगे तो वो अभी आजकल तो घर में ही है ना, तो जाहिर सी बात है सारा दिन सुबह 10 बजे उठ जाते हैं, 11 बजे उठेंगे फिर नाश्ता करेंगे फिर खाना पीना, तो वो बच्चों के वेट जो है ना काफी गेन हो रहे हैं. तो वो जरा थोड़ी सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, कभी वो नूडल्स बना रहे हैं, खुद ही कुकिंग कर रहे हैं, बच्चे तो अभी खुद ही लगे हुए हैं, हमें जरूरत नहीं है. सही बात है, वो खुद ही कुकिंग कर रहे हैं, कभी फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं, कभी सैंडविचेस बन रहे हैं, कभी नूडल्स बन रहे हैं, तो वो जरा बच्चों का जो है ना वेट ज्यादा ही गेन हो रहा है ना. तो असल में ऐसी छुट्टी बच्चों ने भी नहीं कभी देखी कि माँ तो होती है घर पे, बड़े भाई भी हैं, अब्बा भी घर पे हैं, चाचा अपने घर पे हैं, ताया जी भी अपने घर पे हैं, सब बड़े अपने घर पे हैं, ऐसी कौन सी छुट्टी आती है? नहीं होता. तो आई थिंक वो एक्साइटेड भी है इस बात से, जरा खुश भी है. पर बच्चों को बिजी रखना नादिया, आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद देयर एज आल्सो. एंड उनकी एज मुझे नहीं पता क्या है कि खाना बना रहे हैं तो फिर 10-12 साल से बड़े होंगे, 10-12 साल के होंगे, बड़े होंगे तो अगर उनकी उनको जो है चोज दे, जैसे उनको काम दे सुबह को कि जाएं जाके आज पंखे साफ कर ले, आज जाके यू आर गोइंग टू क्लीन द वो कॉब वेब्स जो जाले होते हैं आज वो साफ कर ले, बच्चों को ऐसे काम दें. मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है उनको इन चीज़ों में लगाना, बट आजकल जो है वो बच्चे प्ले स्टेशंस और जो है वो वीडियो गेम्स के थ्रू भी बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल यूज लीड कर रहे हैं. तो वेट गेन उनका सिर्फ इस वक्त नहीं हो रहा, वेट गेन उनका बहुत पहले से, उनका जो वेट लॉस या थोड़ी मूवमेंट होती थी वो सिर्फ उनकी PT सेशंस में होती थी एट स्कूल, और अगर वो अपने जैसे क्रिकेट खेल लिया बाहर थोड़ी देर के लिए, अब वो सब नहीं हो रहा, अब सब कुछ घरों के अंदर हो रहा है. तो आई थिंक डांसिंग फॉर फीमेल्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज. आप अपना कमरा बंद करके म्यूजिक चला के, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, आपकी म्यूजिक भी चल रही है, पॉजिटिविटी भी इन्वॉल्व हो रही है. और वेयर एज जो मैन आर कंसर्न, जो लड़के हैं, आई थिंक दे शुड जस्ट पिक अप देयर साइकिल्स एंड साइकिल अराउंड द नेबरहुड. उसमें ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते. साइकिल के साथ बाहर निकले तो पुलिस वाले मारेंगे, पुलिस वाले सख्ती कर रहे हैं. यस, बट इफ यू जस्ट डू इट अराउंड द ब्लॉक, अगर आपकी एक लेन है बाहर, एक वो भी नहीं करने दे रहे, घर से बाहर नहीं बैठने दे रहे, वो खुद ही हो रहा है क्योंकि माय हस्बैंड गोज आउट टू बाइक एंड इट्स जस्ट वन लेन. अगर आप एक लेन करके वापस आ जाएं, दो राउंड्स करके वापस आ जाएं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ. एक्चुअली कुछ तो एक्टिविटी हो रही है. अगर आप जस्ट लाइक आई सेड गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स, नथिंग एल्स, स्किपिंग रोप ला दें, स्किपिंग रोप से भी हो सकता है. अच्छा, एक और चीज़ हुई है मनता कि बच्चों को पहले अगर कह दो ना कि भाई
तुमने देखो वेट गेन किया है, बुरी बात है, मोटी हो गई हो या मोटे हो रहे हो, तो बच्चे बहुत माइंड करते हैं और बजाय फिर उसके बाद ये कि ख्याल करें वो और नेगेटिव हो जाते हैं। पर ये भी तो है, तो उनको बोला कैसे जाए, कैसे उनको कहा जाए कि उनका दिल भी ना दुखी और उनके अंदर एक ड्राइव हो कि नहीं यार मुझे ठीक होना है। यू हैव टू एनालाइज कि उनकी मोटिवेशन किस तरफ है। फॉर इंस्टेंस जो लड़कियां होती हैं उनको अच्छे ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक़ होता है। उनको ये होता है कि मैं ये पहनूं, अब ईद आ रही है, अब किसी की शादी आ रही है, उसमें अच्छी लगूं, तो उनको उस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हो। वो एक्सटर्नल मोटिवेटर्स होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस किसी ड्रेस की वजह से आपने वेट लूज़ किया, शादी की वजह से आपने वेट लूज़, जी मेरी शादी हो रही है तो मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनल मोटिवेशंस होती हैं। आप उनके हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हमारी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल हाई है, हमारी फैमिली में हार्ट डिजीजेज हैं, देखो नाना को क्या हुआ, देखो दादा को क्या हुआ, यू शुड नॉट लाइक यू नो, यू शुड मूव मोर, यू शुड ईट बेटर। और दूसरी बात, ऐसी चीज़ें जो है आप एक्सेस में अगर बच्चों के रखोगे, जैसे सामान पैटीज हैं, कुकीज़ हैं, और तो वो जब भी भूख लगती है, अभी तो कुछ करने को है नहीं, दिमाग में जो है वो सबसे पहले आपकी माइंड में जाता है कि अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट हमारे ऑटोमेटिकली खाने पे जाते हैं। तो अवॉइड कीपिंग थिंग्स एट होम जो फैटी हैं, फ्रूट्स रखें, नट्स रखें, और ऐसी चीज़ें घर पे बनाएं, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दें, बेकिंग प्रोजेक्ट्स दें कि लेट्स मेक सम हेल्दी कुकीज टुडे, या हुमस बनाएं, या चाट बनाएं। आज हुमस मैंने बनाना है, हुमस बहुत आसान है। तो मुझे जरा रेसिपी बताओ। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरीद साहब फ्रॉम सखर, राइट? जी 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 सर। मैडम मेरा एक सवाल था कि ये जी एक्सरसाइज करने के बजाय ये जो अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसमें एक ये प्रोग्राम ऐसा ना हो कि बच्चों को मसरूफ रखने के लिए उसको कैरम बोर्ड दिया जाए या कोई लूडो दिया जाए। तकरीबन हमने फ्लड के दौरान एक ट्रेनिंग करवाई थी DRR पे, उसमें टॉपिक ये थी कि भाई बच्चे जो होते हैं ना वो मायूस होते हैं कि भाई अभी क्या होने वाला है। उसमें अवेयरनेस डालने के लिए बड़े क्या करते हैं, भाई सारा जो भी बोझ है उसकी बेरोजगारी का, तंगी का, बच्चों पे उतारते हैं। उसको मारपीट बहुत होती है तो बच्चे खौफजदा होते हैं, वो ज़हनी मरीज हो जाते हैं। इस गुस्से और परेशानी से बच्चों को निकालने के लिए कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम दीजिए आप, ताकि जी जी बिल्कुल बच्चों को काफी दफा जिक्र किया है कि गजब ये हो गया है कि इस वक्त कुछ गुस्से वाले लोग जो हैं, जिनके वैसे ही गुस्सा चढ़ा रहता है, वो घर पे